अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। वन क्लास के साथ हाज़िर हूँ। आज हम वन क्लास का सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। सेकंड टर्म में लेक्चर नंबर वन मैं आपको डिलीवर करूँगी। क्लास वन में आज हम फिज़ाए उर्दू का पेज नंबर सिक्स से मैं स्टार्ट करवाऊँगी। सिक्स पेज नंबर में ये देखे, सेकेंड पे सहर फिम रकबात लिखे हुए हैं, जो आज मैं आपको राइट करना भी सिखाऊँगी और साथ में आपको बोलना भी सिखाऊँगी। ये देखें, अब लफज हमने लिया है अबर, अलीफ ज़बर बे अब्र अब्र। नेक्स्ट है असल, अलीफ ज़बर स्वाद। ये देखे, स्वाद का अशकाल लगा के इसी के साथ मैंने लाम ऐड कर दिया तो लफज बन गया अलीफ ज़बर स्वाद असल लाम असल। नेक्स्ट वर्ड है अमन, अलीफ ज़बर इसी के साथ मीम की अशकाल, उसके साथ मैंने नून को लिख दिया अलीफ ज़बर मीम अम नून अमन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बर्फ़, ये देखें बे बे की अशकाल, इसी के ऊपर मैंने रे ज़बर लगाई, ज़बर के साथ मैंने रे ऐड किया बे ज़बर रे, और इसी के साथ फे लिख दिया तो लफ्ज़ बन गया बे ज़बर रे बर्फ फे बर्फ। नेक्स्ट है बटन, ये बे की अशकाल, इसी के ऊपर ज़बर, इसी के साथ अब मैंने टे की अशकाल बनाई, टे के साथ ही मैंने नून लिख दिया बे ज़बर टे बट नून बटन। उसके बाद है बाद, ये देखें बे ज़बर इसी के साथ मैंने ये देखे आइन की अशकाल जो है वो लिखी, इसी के साथ मैंने रे लिख दी, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो दाल पढ़ेंगे बे ज़बर आइन बाद दाल बाद। नेक्स्ट वर्ड है बदन, ये देखें बे इसी के साथ मैंने ज़बर लगा के रेर को लिख दिया, इसके साथ मैंने नून गुना लगाया बे ज़बर दाल बद, इस नून के सेंटर में डोर से लगा के लफज बन गया नून बे ज़बर दाल बद नून बदन। आगे है बगल, ये बे ज़बर इसके साथ मैंने गैन की अशकाल लगाई बे ज़बर गैन, और इसी के साथ मैंने लाम लिख दिया तो लफज बन गया बे ज़बर गैन बगल लाम बगल। नेक्स्ट वर्ड है पश्म, ये देखें पे ज़बर इसी के साथ मैंने शीन के तीन अशकाल बनाई, शीन के तीन दंदाने लगाए, अब मैंने इसके साथ मीम को ऐड कर दिया, अब ये लफ्ज़ बन गया पश्म पे ज़बर शीन पश्म मीम पश्म। नेक्स्ट वर्ड है बचत, बे इसी के साथ चे की अशकाल, अब मैंने साथ में ते को ऐड कर दिया तो ये लफ्ज़ बन गया बे ज़बर चे बच ते बचत। नेक्स्ट वर्ड है बश्र, ये बे ज़बर ये शीन के तीन दंदाने, और इसी के साथ मैंने रे लिख दिया तो ये लफ्ज़ बन गया बे ज़बर शीन बश रे बश्र। अब हम सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। सेकंड लाइन से नंबर वन पे हमने लफ्ज़ लिया है बक्स, बे ज़बर काफ़, ये देखें काफ़ कई अशकाल, इसी के साथ मैंने सीन लिख दिया बे ज़बर काफ बक्स सीन बक्स। नेक्स्ट वर्ड है तख्त, जैसे हमने बचत लिखा था इसी तरह तख्त, तख्त में ये देखें ते ज़बर इसी के साथ खे की अशकाल, अब मैंने इसके साथ ते को ऐड किया तो लफ्ज़ बन गया तख्त ते ज़बर खे तख्त ते तख्त। नेक्स्ट वर्ड है टपक, ये देखें टे की अशकाल, इसके साथ मैंने पे लिख दिया, अब इसके साथ मैंने काफ लिखा तो लफ्ज़ बन गया टे ज़बर पे टप काफ टपक। नेक्स्ट वर्ड है हर्फ, हे ये देखें हे की अशकाल, इसी के साथ मैंने रे लिख दिया हे ज़बर रे हर्म, अब अगर मैं इसके साथ मीम लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन गया हर्म। हर्म के बाद अब लफ्ज़ है जश्न, ये जीम की अशकाल, ये ज़बर, अब मैंने शीन ये देखें शीन लिखा तो लफ्ज़ बन गया जश्न, जीम ज़बर शीन जश्न नून जश्न। नेक्स्ट वर्ड है जज्म, ये देखें जीम की अशकाल, इसी के साथ मैंने ज़े लिखा जीम ज़बर ज़े जज, अगर मैं अब मीम लिख दूँ तो लफ्ज़ बन गया जज्म। नेक्स्ट वर्ड है जबर, ये देखें जीम की अशकाल, बे के साथ रे लिखा जीम ज़बर बे जब रे जबर। अब वर्ड है चरख, ये देखें चे
इसी के साथ मैंने रे लिख दिया, चे ज़बर रे चर। अगर अब मैं यहाँ पे खे लिखूँगी तो लफ्ज़ बन गया चरख। जैसे अगर हमने हर्म के साथ मीम लिखा था तो लफ्ज़ हर्म बना, अब चरख, चरख के बाद है चर्स। इसी तरह ये देखें चे के साथ मैंने रे लिख दिया, पहले मीम लिखा था तो खे लिखा था, चरख, चरख बन गया, अब चरख, चे ज़बर रे चर। इसके साथ मैंने सीन लिख दिया तो लफ्ज़ बन गया चर्स। नेक्स्ट वर्ड है अरब, आइन ज़बर रे अरब बे अरब। नेक्स्ट वर्ड हमल, ये देखें हे, हे के साथ मीम, मीम की अशकाल, मीम के साथ मैंने लाम लिख दिया, हे ज़बर मीम हम लाम हमल। नेक्स्ट वर्ड है हर्ज, ये देखें गोल हे, यूं लिखेंगे, इसी के साथ मैंने रे लिख दिया, हे ज़बर रे हर। अब मैंने यहाँ पे जीम लिख दिया तो लफ्ज़ बन गया हर्ज। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मैं आपको इसको रिपीट करवाऊँगी, आपने मेरे साथ इसको 2 से 3 टाइम रिपीट करना है और आपने इसको रजिस्टर पे राइट भी करना है। ये देखें लफ्ज़ है अब्र, अब्र के बाद असल, अमन, बर्फ, बटन, बाद, बदन, बगल, पश्म, बचत, बश, बक्स, तख्त, टपक, हर्म, जशन, जज्म, जब्र, चर्ख, चर्स, अर्ब, हमल, हर्ज। आपने इसको 2 से 3 टाइम रिपीट करना है और इसको बाद में रजिस्टर पे राइट भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।